अगर आप होंडा की सीवीटी चलाते हैं तो ये बटन जरूर देखा होगा, और मुझे पता है ज्यादातर होंडा यूजर्स को इस इकॉन बटन का रियल पर्पस नहीं पता है। तो चलिए आज जानते हैं। इकॉन बटन ज्यादातर आपको डैशबोर्ड के आसपास मिलेगा, जैसे सिटी में स्टेयरिंग के राइट साइड और सिविक में गियर लीवर के पास। बटन दबाने पे कंसोल पे ग्रीन लीफ लाइट भी जलती है। इकॉन बटन दबाते ही सबसे नोटिसेबल बिहेवियर होता है पावर में कमी। इसके साथ तीन चीजें और होती है। पहला, थ्रॉटल रिस्पॉन्स। इकॉन एक्टिवेट होते ही गाड़ी का थ्रॉटल रिस्पॉन्स एफिशिएंसी के लिए कम हो जाता है। लो और टॉप एंड परफॉर्मेंस में तो कोई चेंजेस नहीं आते, मिड रेंज में सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। नतीजा, ज्यादा माइलेज। दूसरा, गियर शिफ्टिंग। कार का सीवीटी गियरबॉक्स लो आरपीएम मेंटेन करने के लिए ज्यादा जल्दी अपशिफ्ट और ज्यादा लेट डाउनशिफ्ट करेगा। लो आरपीएम मतलब ज्यादा माइलेज। तीसरा, एसी। इकॉन यूज करते समय कार का एसी कंप्रेसर फ्रीक्वेंटली ऑन और ऑफ होगा इंजन पे लोड कम रखने के लिए। इससे कूलिंग टाइम बढ़ सकता है। एडवाइस यही है कि गर्मी के मौसम में कूलिंग होने के बाद ही इकॉन बटन दबाएं। अगर आप होंडा यूजर हैं तो इकॉन ऑन रखते हैं या ऑफ। और ऐसे और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू गो मैकेनिक।